उनको एकदम टॉप नॉच लेवल स्केचिंग भी नहीं चाहिए. ऑलवेज मेक श्योर योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर. पर मैथ्स नहीं करके भी मेरा हो गया. अभी कुछ नया सीखने में मत जाओ. इट्स द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इट इज डिफरेंट क्वेश्चंस. Hi guys, welcome back to my channel and welcome to another video. So you know that 5th of Feb NIFT है, NIFT exam and बहुत पास है. So I thought कि ये video बनाते हैं जिसमें I asked my friends, my classmates and my batchmates to you know give you last minute tips and tricks so that तुम लोग को थोड़ी help हो जाए, the aspirants who are watching this video. And I hope आपको ये tips and tricks helpful लगी होगी. So if you are interested, keep on watching. ये talented लड़की खुशी देखो क्या कर रही है. देखो guys, देख ही रहे हो तो मेरी आर्ट स्केच. ये देखो guys, मतलब आपको क्लास में बोर हो तो आप ये कर सकते हो. बाकी मुझे फॉलो करें. हाँ, इंस्टाग्राम खुशी कुमारी गुप्ता. ओके, हाय खुशी. हाय दिव्या. तेरे पास लास्ट मिनट टिप्स क्या है फॉर द एस्पिरेंट्स, निफ्ट एस्पिरेंट्स? लास्ट मिनट टिप्स मैं यही दे सकती हूँ, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. सबसे पहले गैट पार्ट होता है, उसमें मैंने क्या किया था जो मुझे नहीं आता था. लाइक मैं बायो स्टूडेंट थी तो मेरे को मैथ्स नहीं आता था, तो मैंने मैथ्स बिल्कुल नहीं छुआ. और फिर भी मुझे लगा था कि मेरा नहीं होगा, पर मैथ्स नहीं करके भी मेरा हो गया, क्योंकि उसमें इंडिविजुअल ऐसा नहीं रहता कि तुम्हें उसमें इतने अटेम्प्ट करने हैं, तो तुम्हारा टोटल स्कोर देखा जाता है. तो मैथ्स देखी और मैंने देखा आसपास मेरे कोई दोस्त नहीं है मैथ्स वाले, तो मैंने सोचा कि छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि मैथ्स तो समझ आ रहा है ना, निफ्ट का मैथ्स थोड़ा सा हार्ड रहता था मेरे अकॉर्डिंग. और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था तो प्रॉब्लम हुई थी कुछ? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, मेरी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बाकी उनका कंप्यूटर नहीं चल रहा था, पर मेरा कंप्यूटर अच्छा था. और उसमें ये रहता है कि तुम्हारा बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन छूट जाते हैं, तुम देखते हो पर वो छूट जाते हैं. तो ध्यान से पहले सारे क्वेश्चन पढ़ना, तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ऐसा टाइप का भी एक क्वेश्चन था, तो तुम उसको एक बार रीचेक कर लेना कि वो वाला छूट ना गया. कैट पार्ट भी इजी रहता है, बहुत इजी रहता है निफ्ट का, तो उसमें नॉर्मल शेप्स वगैरह से आएंगे प्रोडक्ट बनाने का. और हाँ, उसका तुम राइटअप अच्छे से लिखना, शायद वो लोग वही ज्यादा देखते हैं. और उसमें क्वेश्चन ऐसे अच्छे से पढ़ना, क्योंकि उसमें मेरा भी गलती हुआ. बट मैं इनसे पूछूंगी कि इन्होंने खुशी का पूछा, खुशी खुशी का सुना, और इन लोग को अगर कुछ ऐड करना है तो तुम लोग बता सकते हो. पूरी कथा बोल दी, पर अगर कुछ बचा होता है उससे कि टाइम मैनेज करो, सारे क्वेश्चंस देख लेना चाहिए एक बार, एंड टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अलावा एनआईडी और यूसीएल का अगर गैट यू हैव प्रिपेयर, तो निफ्ट का इज़ वेरी इजी, तो इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग. उसके लिए अलग से यू डोंट हैव टू प्रिपेयर, सेम ही आता है. गैट का बोल लास्ट मिनट के लिए मैं यही बोलूँगा कि अभी कुछ नया सीखने में मत जाओ, कुछ नया ट्राई मत करो. सही बात. जो सैंपल पेपर्स होते हैं अवेलेबल या फिर लास्ट ईयर के पेपर होते हैं वही ट्राई करो, और लाइक टाइम मैनेजमेंट उसी से आएगा. तुम नया कुछ ट्राई करोगे वो समझेगा नहीं, बट लास्ट मिनट पेपर ट्राई करोगे तुम्हें समझेगा कौन से पार्ट में तुम कितना टाइम दे रहे हो. तो कुछ मत करो, बस पेपर सॉल्व करो टाइम लगा के. तो गैट सेक्शन का जब पेपर ओपन करते हो, सारे क्वेश्चन पूरे मतलब स्क्रोल करना, पूरा पेपर स्क्रोल करना. दो इजी क्वेश्चन होते हैं, मिरर इमेज होता है या फिर सिंपल सम्स होते हैं, ब्लॉक्स काउंट करने होते हैं, क्वेश्चन नीचे रहते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते, और जब टाइम नहीं होता अपने पास तो छूट जाते हैं. तो एक बार पूरा पेपर स्क्रॉल कर लो. एंड फॉर द कैट पार्ट आई थिंक बेसिक यही है कि तुम्हारे स्केचिंग स्किल्स प्रॉपर हो जाने चाहिए, ताकि यू कैन पोर्ट्रे योर आइडिया. मतलब बेसिक यही है, उनको एकदम टॉप नॉच लेवल स्केचिंग भी नहीं चाहिए, बस जो आइडिया है वो दिख जाना चाहिए. वॉट इफ कोई आइडिया नहीं आ रहा है आखिरी मिनट में, एकदम दिमाग ब्लॉक हो गया? नहीं, लास्ट मिनट पे कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा, बस लाइक जो विजुअल हो रहा है, जो विजुअल हो रहा है वही करो. गो विद द सिंपलेस्ट बेस, मतलब ट्राई टू मेक इट मोर एस्थेटिक. नहीं नहीं, अरे जो समझ आ रहा है क्वेश्चन में, कुछ आइडिया नहीं आ रहा, देखो मैं बना रही कुछ आइडिया नहीं आ रहा, ज्यादा सोचो मत. जो बस क्वेश्चन पूछ रहा है उतना पॉइंट टू पॉइंट वही कर दो, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं. हां, इवन इफ इट इज बेसिक कर के आओ, वर्स्ट केस सिनेरियो अगर आइडिया नहीं आ रहा है तो उसमें भी राइट अप होता है, तो अच्छे से लिख के आओ, अच्छे से ग्रामर वगैरह ध्यान में रखे, बिकॉज दैट आल्सो लीव्स एन इंप्रेशन अपार्ट फ्रॉम द स्केचिंग. हाय गाइस, टेल मी योर नेम्स. हाय, आई एम अर्चना. हाय गाइस, आई एम कन्विनी, एंड वी स्टडी इन निफ्ट फाउंडेशन. द मेन ट्रिक इज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, लाइक सॉल्व पेपर्स, सो दैट यू नो व्हाट एग्जैक्टली इट मींस.
एंड लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम द क्वेश्चंस आर रिपीटेड लाइक इट्स द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस इट्स जस्ट डिफरेंट क्वेश्चंस सो आई वुड से लाइक यू नो यू वुड ऑलवेज प्रैक्टिस योर ड्रॉइंग फॉर योर कैट बट देन अ लॉट ऑफ यू काइंड ऑफ नेग्लेक्ट द कॉन्सेप्ट राइटिंग पार्ट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू नो when the teacher or someone's correcting it they wouldn't know exactly what's your concept so always make sure your concept is clear so even practice writing your concept notes learn about color psychology so you'll be able to like explain why we use that particular color for your product and they even ask you a lot of color psychology related questions in NIFT and so you can also write in your concept note if it's a product who's your target audience like what are the uses of these products what are the features that it has So yeah, just make sure, you know, you also practice your concept note apart from your drawing. Yeah. Mm, yeah. We have two more people, guys. Yeah. Say hi. What do you think you should have done? Hello. No, not live. Okay, guys. What do you think you should have done different to crack NIFT? Or you think you regretted after? Not do it. We should have prepared better. So I think first and the most important thing is you need to draw daily. Like even if it is basic, you need to have the hands-on experience on drawing and you need to be quick in it. And secondly, you need to surf a lot through Pinterest and other sites. Like there are a lot of sites for ideas and stuff. Like you need to have a very open mind and you need to know a lot of ideas. So that when you need very unique. Yeah, unique ideas. Because when you're writing the exam, you don't know what idea can help you in the exam. So these two things are very important. Apart from that, mainly practicing drawing a lot. But we have like NIFT in 7 days. So what would you like to tell last minute tips like that? That's a lot of question papers. Yeah, there's a lot of question papers and again, at the end, just keep surfing through Pinterest and sites like Behance and all of that. Yeah, I think if you want to manage time and see how you can do last minute for short practice papers and do not panic. Like, I think when you start with the first paper, it's going to be very hard to like do it on time. Exactly. But over time, the more papers you do, also like coloring and stuff like fully coloring into the image you can try hatching so it's just like drawing with like lines so it saves time so like find techniques and like you know methods that would help you save time rather than you know filling in the entire color you could just highlight it with you know your pencil the outline or like you know exclamation marks so depict emotions you don't have to draw everything out or color everything out Yeah. Some questions don't require covering, so read the questions properly. Properly and it's mainly about the idea and the type of emotion and feeling you're trying to express more than anything else. Do you guys have something to say? Just motivate your juniors by saying something. All the best guys, you don't panic, just go there and write your paper. And this is the life you live in NIFT, so that's your motivation. Very exciting. Yeah. Get this as a thumbnail, okay? Put the picture like pose. Pose in body. Pose. What do you want? Boy or? No. Pose. Be like. How did you prepare for NIFT, Fahad? This is our mess, by the way. It's empty. Ratna, she's your senior. Talk about your model today. Ratna is one of the very famous models in NIFT, guys. Yeah. Hi. What department are you in? I'm in KD. And was NIFT your first preference? Hello, Swarangi. Hi. So, मैं ये पूछ रही थी कि do you have any last minute tips जो तू अभी aspirants को देना चाहेगी? I have a last minute tip for GAT GK. So, GK के लिए कुछ ऐसा specific preparation नहीं होता है. तो मैं last के कुछ दिनों में online quizzes solve करती थी. There is a website called Edudos. जहाँ पे daily GK के quizzes होते हैं. You can solve them in your free time and actually helps. और अभी last के few days में क्या हमें कैट के लिए क्या करना चाहिए मतलब तैयारी तो पूरा ड्राइंग बनाने के लिए तो अभी टाइम नहीं है सो यू कैन गो थ्रू पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड जस्ट आइडिएट फॉर द आंसर्स यूजिंग थंबनेल्स एंड ऑल सो डू दैट विल बी हेल्पफुल ओके सो वन मोर क्वेश्चन कि व्हाट इफ कोई क्वेश्चन कैट के क्वेश्चन में आर्ट ब्लॉक हो गया आई वुड से मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि इफ आप एक ही क्वेश्चन का आंसर आइडिएट करने में इतना टाइम वेस्ट कर दो तो बाकी के क्वेश्चन अच्छे नहीं कर पाओगे तो कीप दैट क्वेश्चन असाइड बाकी के सारे सॉल्व कर लो आपके पास टाइम बच जाएगा तब आपके पास जब कम टाइम है यू विल समहाउ फिगर आउट इट एंड आ जाएगा कुछ ना कुछ तो और आखिरी में कुछ बोलना है बच्चों को ऑल द बेस्ट डोंट वरी आराम से पेपर दो एंजॉय द प्रोसेस क्योंकि इट्स अ क्रिएटिव फील्ड आप एंजॉय नहीं करोगे तो देयर इज नो पॉइंट
सही बात है. ओके थैंक यू. थैंक यू गाइस. ऑल द बेस्ट. थैंक यू गाइस. बाय. सब्सक्राइब वापस. सब्सक्राइब.